स्कूल डेज में पढ़ाई करना पॉसिबल भी है क्या? कैसे करूँ स्कूल से आने के बाद बहुत सारी सेल्फ स्टडी जिससे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। सारा दिन तो कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह सुबह उठ के स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ तो ट्यूशन का टाइम हो जाता है, ट्यूशन से घर आए तो दूसरे ट्यूशन का टाइम। ट्यूशन कंप्लीट करने के बाद में इतनी थकान हो जाती है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने के बाद में याद आता है कि यार अभी ये वाला होमवर्क मिला था, वो वाला होमवर्क कंप्लीट करा, ट्यूशन के कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करे, डिनर टाइम एंड स्लीप टाइम हो जाता है। सेल्फ स्टडी करने का, क्वालिटी सेल्फ स्टडी करने का तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। कितने दिन निकल गए, दिन क्या हफ्ते निकल गए, हफ्ते क्या महीने निकल गए हैं, बट पढ़ने का समय ही नहीं मिल पाता। और इस वजह से क्या हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना दिमाग में से फेड अवे होते जा रहे हैं। जो ट्यूशन में पढ़ के आए थे, अंडरस्टैंड करके आए थे, उन्हें घर आके तो रिवाइज करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए बहुत सारे बैकलॉग क्रिएट हो गए, इतने सारे चैप्टर्स हैं जो अब भूलता जा रहा हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो हाई एवरीवन, आई एम सिमरन सहानी, आपकी दीदी। तो ये जो पूरा का पूरा रूटीन मैंने आपको बताया, ये चीज़ बहुत सारे बच्चे इस समय पे फेस कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस चीज़ को फेस कर रहे हो तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ या अगर ना। आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तरीका है कि अपनी स्कूल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में तुम्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा द नाइट स्टडी रूटीन। एंड नाइट स्टडी क्यों कह रही हूँ मैं, नाइट स्टडी हाँ स्कूल डेज के अंदर भी नाइट स्टडी, क्योंकि अगर आप लोग नाइट स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे तो आप स्कूल डेज में भी कम से कम 3 घंटे तो एटलीस्ट मैनेज कर पाओगे क्वालिटी सेल्फ स्टडी के तरीके से बैठ के 3 घंटे भी आप आराम से पढ़ पाओगे। और सैटरडे की बात करें तो और भी ज़्यादा टाइम मिल सकता है। और अभी हाफ ईयरली चल रहे हैं या आने वाले नेक्स्ट वीक में हमारे हाफ ईयरली, और अगर आपके टीचर्स को समझ में आ जाए, अगर आप उन्हें समझा दो कि मैम प्लीज़ हम जो है ना एक आध दिन की स्कूल से छुट्टी मारें, घर पर बैठ के सेल्फ स्टडी करेंगे, और उन्हें पता चल जाए कि हाँ हाँ कोई नहीं ये बच्चे घर बैठ के पढ़ाई ही करेंगे, तो भैया तुम्हारी लॉटरी लग गई है। अगर उन्हें भरोसा हो गया तुम्हारी बात पे कि हाँ ये घर बैठ के फोन नहीं चलाएगा, ये पढ़ाई करेगा, और तुम्हें स्टडी लीव मिल गई स्कूल से, तो लॉटरी लग जाएगी। एंड बहुत आराम से आप अपनी नाइट स्टडी करके अपना ये जितना आपका बैकलॉग्स क्रिएट हुआ है, जितना आपको लग रहा है मुझे कुछ नहीं आता क्या करूँ, जो पैनिक मोड है वो सब कवर हो जाएगा 5 से 6 दिन के अंदर। तो ये सब कैसे होने वाला है वो मैं अभी बताती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, सिलेबस इतना सारा है, पढ़ाई नहीं हो पाई है, क्या है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ये रहा। तो स्टेप नंबर वन क्या है, तो स्टेप नंबर वन क्या है, मान लो तुम 7 बजे ट्यूशन से फ्री हो गए हो, तो ट्यूशन से घर आते तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आधे घंटे का ना पावर नैप ले लेना है, फ्रेश होके आधे घंटे पावर नैप ले लेना है, यानी कि सो जाना आधे घंटे। उससे ना क्या होगा, जितनी थकान हो रही है पूरे दिन की, जितना तुम्हें फैटीग महसूस हो रहा है, वो सामना बिल्कुल ऐसे छूमंतर सा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आधे घंटे के बाद आप जागोगे, और जागने के बाद आप बहुत रिफ्रेश सा फील कर रहे होगे। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जैसे ही आप उठोगे थोड़ी सी चाय पी लो, चाय नहीं तो व्हाटएवर यू लाइक, बिस्किट खा लिया, एक सैंडविच खा लिया, साथ में अपना जो है पढ़ने बैठ जाना है। और अभी सेल्फ स्टडी नहीं करनी, सबसे पहले क्या करना है, जितना भी स्कूल से होमवर्क मिला है, ट्यूशन से होमवर्क मिला है, यानी कि कुछ असाइनमेंट ऐसे मतलब वो कंप्लीट करने हैं जल्दी से, जल्दी 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 उसको कंप्लीट कर लिया। क्योंकि ऐसा ना हो कि स्कूल में या फिर आप ट्यूशन में ब्लैंक बैठे हो, तुम्हारी कोई चीज़ें कंप्लीट ना हो, ये नहीं होना चाहिए। फिर आ गया स्टेप टू क्या है, डिनर करना। हाँ, क्योंकि अभी जब तुमने होमवर्क कंप्लीट करा होगा तो डिनर का टाइम मान लो 10 बजे तक ये सब आपका टाइम वाइम निकल चुका होगा, 10 बजे तक, 9:30 बजे तक, 9 बजे तक तुम्हारा जो डिनर होगा, डिनर स्टार्ट कर देना अपना। डिनर करने के बाद में अपना जो है 10-15 मिनट वॉक करने के बाद में तुम्हें सेल्फ स्टडी करने बैठ जाना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी करने अब तुम्हें बैठ जाना है, एंड यू शुड नो कि तुम क्या पढ़ने वाले हो, पहले से सोच लेना कि पढ़ने क्या बैठना है। जैसे जब होमवर्क करे हो तभी थोड़ा सा प्लान बना लिया कि क्या रात को पढ़ना है, रिमेंबर दिस थिंग कि जब पढ़ने बैठना है तो पहले से सोच लिया अच्छा हाँ ये चैप्टर पढ़ूंगा, या हर मंडे को बना लेना कि पूरे हफ्ते में मुझे क्या क्या पढ़ना है। एंड अब जब तुम पढ़ने बैठोगे तो इस पढ़ाई के टाइम में तुम्हारे सिर्फ 2 बेस्ट फ्रेंड्स होने वाले हैं, वो कौन है, एक तुम्हारी बुक्स और दूसरा है गुड म्यूज़िक, एक बेहतरीन सी प्लेलिस्ट गानों की जिसे तुम अपने कानों में प्लग इन कर लोगे, जैसे तुम्हें हल्की सी नींद आएगी या तुम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होगे और वो तुम्हें रिफ्रेश कर देगा, और वो तुम्हारा ना ही ध्यान भटकने देगा और ना ही तुम्हें नींद आने देगा, ठीक है जी। अब आया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो तुम्हें ध्यान रखना है अपनी सेल्फ स्टडी को, है बिल्कुल येलो लेटर्स में मैंने ब्राइट ब्राइट लिखा है, जिससे तुम्हारी ब्राइट ब्राइट चमकती हुई आंखों में ये समझ में आ जाए तुम्हें, जिससे तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो पाए कि भाई साहब जब तुम ये सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अपनी स्लीप सेक्रीफाइस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो उस समय में तुम्हें ना ही भैया शॉर्ट चलाना है, ना ही रील चलानी है, ना ही बाबू शोना को मैसेज करके लिखना है कि यार आज पढ़ाई करनी है, किसी दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करोगे, किसी भी इंसान को मैसेज नहीं करोगे, इवन दोस्त से
ये भी मैसेज करके नहीं बोला हाँ भाई क्या कर रहा है, और स्टोरी नहीं लगाओगे, व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं लगाओगे, अगर ये काम नहीं करोगे तो पढ़ाई बहुत ही बढ़िया होने वाली है। अब अगर तुम ये सब काम नहीं करोगे और पढ़ रहे होगे तो इस नाइट स्टडी के ना तुम्हें बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है तुम्हारे लिए नाइट स्टडी करना वो तुम्हें बताने वाली हूँ मैं। तो देखो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, घर में होगा ना बिल्कुल सन्नाटा शांति, तो डिस्ट्रैक्शन का कोई, बाहरी डिस्ट्रैक्शन की तो कोई गुंजाइश बची नहीं है। आराम से बैठ के जहाँ पे भी आपको जगह मिले आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपके पास पर्सनल रूम है तो भाई हैट्स ऑफ गाइस, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी कोई तुम्हें नहीं कहेगा अरे मेरे मुंह पे लाइट मत जला बनकर, इसको एसी वाले कमरे से बाहर जाके पढ़ो भाई, हमारे मुंह पे लाइट मत जलाओ, ये सब ताने तुम्हें सुनने को नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हारे पास अपना पर्सनल रूम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास अपना पर्सनल रूम नहीं है तो कोई बात नहीं गाइस, तो क्या करना है तुम्हें अपने, तो अपने घर में कोई भी कोना ढूंढो, किचन ढूंढो, लॉबी ढूंढो, ड्राइंग रूम का सोफा ढूंढो, कोई दीवान होता है जैसे घर में, वहाँ पे अपना बेस सेट कर लो और वहाँ बैठ के पढ़ना जो है वो शुरू कर दो। अब तो मौसम बदलने लग गया है तो इतनी गर्मी नहीं हो रही है, तो कोई भी कोना पकड़ो और वहाँ बेस सेट करके पढ़ना जो है शुरू कर दो। एंड अभी आप लोगों के हाफेली चल रहे हैं तो आप लोगों को लीव भी मिल रही होंगी स्कूल से, तो इसलिए तुम आराम से अपनी स्टडीज़ को 3 से 4 बजे तक भी एक्सटेंड कर सकते हो। परवाह मत करना टाइम की कि क्या हो गया, यानी कि अगर कल स्कूल की छुट्टी मारी तुमने तो मैं स्कूल से प्रिपरेशन लीव मिली, गैप डेज 3-4 बजे तक भी जाग सकते हो और आराम से अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बट यस, फिर से बता रही हूँ मैं इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, रिमेंबर लिखा है पढ़ते समय डोंट इवन लुक एट योर फोन, एक बार मोबाइल को उठा के देखने की भी जरूरत नहीं है। गाना भी बदलना होगा ना तो वो अपने हेडफोन से डायरेक्टली बदल देना तुम, ठीक है। कोई प्लेलिस्ट है ना बढ़िया सी सेट करके रख लेना, मोबाइल में व्हाट्सएप, इंस्टा, रील, ये सब अगर तुम नहीं खोलोगे और एक जगह फोकस बना लोगे तो तुम्हारा सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। ये सोचना कि यार एक बढ़िया सी ना लेट नाइट स्टडी की मैं ना स्टोरी लगा देता हूँ, मैंने इतना अच्छे से अपना सेटअप बनाया है, कोई स्टोरी नहीं, कोई रील नहीं, ये सब चीज़ें सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाली है। और अगर तुमने इन्हें बीट कर दिया और ऐसे पढ़ लिया जैसे मैंने बताया तो आराम से 85% लिया होगे तुम लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बात मुझे समझानी है उन स्टूडेंट्स को जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड उन्होंने डमी ले रखा है, ठीक है, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं डेली बट सुबह उठ के उनकी 8 बजे 9 बजे कोचिंग्स होती हैं, ठीक है, दे लिव इन हॉस्टल या घर पे है, घर पे भी हो तुम, पर तुम डेली स्कूल नहीं जाते हो 6-7 बजे उठ के, तुम्हारी 9 बजे से कोचिंग है, 8 बजे से कोचिंग है, तो भी डेफिनेटली आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो, तुम्हें तो और अच्छे से स्लीप मिल जाएगी, ठीक है, 8 घंटे की स्लीप अपनी आराम से मैनेज कर सकते हो। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो जो नीट की तैयारी करें उन्होंने डमी ले रखा है, ठीक है, या फिर जो बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं घर पर बैठ के, तो तुम्हें भी ये नाइट स्टडी रूटीन फॉलो अगर आप करोगे एंड यू आर वर्किंग तो बहुत आराम से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो ये थी पावर नाइट स्टडी करने की हम सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड हम जितने भी स्टूडेंट नाइट स्टडी करते हैं हम उन्हें कहते हैं दी नाइट आउल्स। तो आज से कौन कौन स्टूडेंट नाइट स्टडी रूटीन को फॉलो करने वाला है और नाइट आउल बनने वाला है वो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। एंड अगर आप क्लास 12th के हो या फिर 11th के स्टूडेंट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से चेक करो, मैंने प्लेलिस्ट अटैच कर दिया जिससे आप जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।